Hello, my dear students. Good morning. Welcome to my channel, JP Guidance Study Center. I am JP sir. I hope you are good health and safe at your home. तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लगभग 7 दिन बाद डिटरमिनेंट्स का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। तीसरा वीडियो डिटरमिनेंट्स का बनाने में इसलिए देर हो गया कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो कुछ गड़बड़ा गया था, तबीयत सही नहीं था। इस वजह से डिटरमिनेंट्स का तीसरा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देर हो गई। मुझे इस बात का अफसोस है। देखिए बाबू, आज से भरसक प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो एक्सरसाइज का वीडियो है समय पर मिले। तो मेरे प्रिय बच्चों, जो आज से वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे तो मेरा अनुरोध है कि वह सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है समय पर मिल जाए। तो देखिए बाबू, समय को विलंब न करते हुए आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और वीडियो लास्ट तक मेरे साथ, वीडियो के साथ यानी मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। कॉपी कलम उठाइए और नोट्स के लिए तैयार हो जाइए। यहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चों, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि यह चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगेगा। इस चैप्टर का जिक्र 10th क्लास में भी मैंने किया था, 11th में भी बताया था, 2D डाइमेंशनल जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो वहां भी बात बोला था कि देखिए बाबू, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ ज्ञात कर रहे हैं 12th क्लास में, इसको एक और तरीका से ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए बाबू, इसमें भी वही चीज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, हम आप लोगों का ज्यादा समय को विलंब न करते हुए, समय को बर्बाद न करते हुए हम आप लोगों का कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हेडिंग डालिएगा, सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू डिटरमिनेंट मेथड। यानी देखिए, एरिया निकालना है लेकिन कौन सा विधि द्वारा? सारणिक विधि द्वारा। देखिए प्रश्न दिया रहेगा और कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। यही मेन कंसेप्ट है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 111 का प्रयोग किया जाता है। देखिए बाबू, एक त्रिभुज दिया रहेगा जिसे दिया बिंदु a x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देख रहे हैं ना, इसका हमको एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड का भी यूज करके निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट मेथड कहता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यानी पहला कलम में x का मान और दूसरा कलम में y का मान और तीसरा में 1 का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जहां x1 y1 ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को निरूपित करता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः 1, 2, 2, 3, 3, 5 है। तो देखिए बाबू, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका।
देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो बिंदु दिया रहता है उस बिंदु को लेते हैं। तो चलिए ए, ए में दिया है कितना 1.2, बी में दिया है 2.3 और सी में दिया है 3.5, यही है ना 1.2, 2.3, 3.5। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु दिया लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, चलिए एक्स वन का मान 1, एक्स टू का मान 2, एक्स थ्री का मान 3, ओके वाई वन का मान दिया है 2, वाई टू का मान दिया है 3, वाई थ्री का मान दिया है 5। हमको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, देख रहे हैं ना। चलिए तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी बताया था 1/2 डिटरमिनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1, 1, 1, ठीक। चलिए मान को रखिए 1/2, एक्स वन का मान 1, 1 एक्स टू का मान 2, एक्स थ्री का मान 3, वाई वन का मान 2, वाई टू का मान 3, वाई थ्री का मान 5, 1, 1, 1, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए हल कीजिए 1/2, हल करने का तरीका बताया था। चलिए हम फर्स्ट रो को लेते हैं, तो 1 आमने सामने डिलीट, 3 - 5, फिर क्या लेंगे चिन्ह बताया था, प्लस माइनस प्लस, -2 लेंगे आमने सामने डिलीट, 2, -3, फिर किसको लेंगे प्लस 1 को लेंगे आमने सामने डिलीट, 5 × 10 तीतरिका 9, ओके। अब देखिए 1/2, 1 × 3 में से 5 को घटाएंगे -2, -2 × 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा क्या होगा -1, प्लस 1 × 10 में से 9 घटाएंगे 1, ओके। अब देखिएगा हल कीजिए, यानी 1/2, 1 में 2 -2 से गुणा करेंगे -2, -, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 1, 2 × 1, हल करेंगे 1/2 यानी बराबर 0.5 और स्क्वायर यूनिट्स, यही का हो गया आंसर। बात समझ में आया, कुछ नहीं करना है बाबू, फॉर्मूला है 1/2, एक्स वन पहले एक्स का मान लिख देंगे, वाई का मान लिख देंगे, इसके बाद 1, 1 सारणिक विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए 10 क्लास में कैसे बनाए थे हम लोग, 10 क्लास में लिख सकते हैं सेकेंड मेथड, ध्यान देना है, 10th में भी बताया था, 11th में भी बताया था। सेकेंड मेथड कहता है डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ये है ना, जगह का थोड़ा भाव है। देखिए सेकेंड मेथड, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल,
का होता है 1/2। देखिए ट्रिक बताया था 123, 231, 312 याद कीजिए उदित, वही पुरानी बात। ट्रिक था 123, 231, 312। तो देखिए ये वाला जो होता है x होता है x 1, ये y, तो y 2 माइनस y 3, x 2 y 3 माइनस y 1 प्लस, ठीक, x 3 y 1 माइनस y 2 याद कीजिए उन्हें, ठीक। चलिए तो 1/2 x 1 का मान देखिए, x 1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। y 2, y 2 का मान क्या है, 3 है। y 3 का मान क्या है, 5 है प्लस, x 2 का मान क्या है, 2 है। y 3 का मान क्या है, 5 है, ठीक। y 1 का मान क्या है, 2 है। x 3 का मान क्या है, 3 है। y 1 का मान क्या है, 2 है। y 2 का मान क्या है, 3 है, ओके। चलिए तो 1/2 हल कीजिए, 1 3 में से 5 गया माइनस 2 प्लस 2, 5 में से 2 गया 3 प्लस 3, 2 में से 3 गया माइनस 1, हल कीजिए। 1/2 यानी 1 में माइनस 2 से करेंगे माइनस 2, 3 दूना 6, 3 में माइनस 1 से करेंगे तो क्या होगा माइनस 3, ओके। अब देखिए 1/2 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 2 यानी क्या होगा माइनस 5। अब देखिए 1/2 इंटू 1 हल करेंगे 0.5 स्क्वायर क्या मिला यूनिट्स। देखिए तो बाबू इस तरह से भी हल किया था, क्या मिला था 0.5, इस तरह से हल भी किया तो क्या मिला 0.5। तो याद रखिएगा बाबू हम लोग पहले ये तरीका से बनाया था, लेकिन अब आपका एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना होगा, कहेगा कि सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इस फॉर्मूला का यूज करें। किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्मूला का। जनरल दिया रहेगा तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बाबू प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको घर पर से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक। देखिए इसको घर पर प्रैक्टिस करना है कि सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए, आंसर सबको देना होगा, ठीक। ये घर पर बनाना होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक, कल चेक करेंगे। अब देखिए बाबू अगला कंसेप्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, संरेख होने का शर्त। संरेख होने का शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। देखिए बाबू बोल दे रहे हैं, लिखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो आए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आए तो संरेख होने का शर्त कहते हैं। देखिए बाबू जब त्रिभुज का, लिख भी दे रहे हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर जीरो प्राप्त होता है, ज्ञात करने पर जीरो प्राप्त होता है तो वह संरेख कहलाता है, संरेख कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। देखिए संरेख का मतलब एक ही रेखा पर, अब आप लोग बताइएगा कि जब क्षेत्रफल जीरो आएगा तो, जब जीरो आएगा तो क्या त्रिभुज बनेगा, यानी तीनों जो शीर्ष बिंदु होगा कहां हो जाएगा, एक ही रेखा पर हो जाएगा। जरा सोचिए कि अगर क्षेत्रफल जीरो आ जाए तो क्या इस तरह से त्रिभुज बनेगा,
देखिए इसका तो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब जीरो आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, सीधी लाइन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधी लाइन में, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो माइंड में सेट रखिएगा कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आए तो वह क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है, याद रहेगा। जब हम देखिए 10 में भी पढ़ाया गया था, 11 में भी, कि एरिया जब जीरो होता है तो वह कोलिनियर होता है, क्या होता है, कोलिनियर यानी संरेख होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है दर्शाइए कि बिंदु 1, 2, 2, 3, 4, 5 संरेख है, संरेख है, संरेख है या नहीं बताएं। देखिए वह क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु 1, 2, 2, 3, 4, 5 संरेख है या नहीं। तो देखिए बाबू सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट, जो बिंदु दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, यानी एक्स वन का मान 1, एक्स टू का मान 2, एक्स थ्री का मान 4, y1 का मान 2, y2 का मान 3, y3 का मान 5। देखिए बाबू x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान 4, y1 का मान 2, y2 का मान 3, y3 का मान 5। हमको संरेख चेक करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा, अभी बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3, ठीक। y1 y2 y3 1 1, यही है ना। चलिए हल कीजिए, 1/2 x1 का मान क्या है 1, x2 का मान 2, x3 का मान 4, y1 का मान 2, y2 का मान 3, y3 का मान 5, 1 1 1। चलिए हल करते हैं बाबू, देखिए 1/2 हल कीजिए, ठीक, चिन्ह बताए थे प्लस माइनस प्लस, 1 लेंगे तो आमने सामने डिलीट यानी 3 - 5, फिर -2 लेंगे आमने सामने डिलीट, आमने सामने तो 2 माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 लेंगे आमने सामने डिलीट, तिरछा ये 5 × 10 चलती है 12, ठीक। अब देखिए 1/2, ठीक, 1 × -2 -2 × -2 +1 × -2। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, 3 में से 5 गया -2, 2 में से 4 गया -2, 1 × 10 में से 12 गया -2। चलिए 1/2 × 1 में -2 से गुणा करेंगे -2, -2 × 4 ±-2। अब देखिए -2 - 2 क्या हो जाएगा, ध्यान देना है बाबू, 1/2 × -2 और -2 -4 + 4 कट जाएगा, तो क्या मिला, 1/2 × 0 बराबर क्या मिला, 0। तो देखिए बाबू क्षेत्रफल क्या मिला, 0। तो बताइए यह संरेख है कि नहीं है, तो लिखेंगे कि अतः यह संरेख है, ओके, यानी क्षेत्रफल 0 आएगा तो क्या होगा, संरेख होगा। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए घर से बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा, दर्शाइए कि बिंदु
यहां लिख सकते हैं, यहां बताएं कि, ध्यान देना, बताएं कि बिंदु 2.3 3.4 और 4.5 संरेख है या नहीं, चेक करना है। ठीक है, तिघर से मना करना है। तो चलिए बाबू, ऐसा करते हैं कि यह समझ में आया होगा, तो अब थोड़ा सा जानेंगे, कुछ मुख्य पॉइंट है, पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हेडिंग डाल दीजिएगा नोटेड पॉइंट, हेडिंग डालिएगा नोटेड पॉइंट नंबर वन। नोटेड पॉइंट नंबर वन में ध्यान देना है, लिखिए क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। देखिए बाबू, मान लीजिए त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु दिया है और क्षेत्रफल निकाले, निकालने पर अगर मान लीजिए मान -2 आया, -10 आया, कुछ भी आया लेकिन माइनस में आया, तो क्षेत्रफल माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस ही होगा। अगर -2 आया तो लिखेंगे +2, -3 आया तो लिखेंगे +3, -10 आया तो लिखेंगे +10। याद रहेगा नंबर दो, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु दिया है, देखिए मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो जब ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला नहीं दिया है, तो तीसरा हम क्या मानेंगे? x, y मानेंगे। वहीं लिख दिए बात को, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु दिया रहता है तो तीसरे शीर्ष बिंदु को हम लोग x, y मानते हैं। ये गोल्डन पॉइंट है, अच्छा से देखना है। नंबर तीन, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है और किसी नियतांक का मान ज्ञात करना होता है, तो क्षेत्रफल बराबर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों चिन्ह लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल दिया रहेगा और एक बिंदु का पॉइंट उड़ा देगा और कहेगा कि ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर जीरो लेंगे, सॉरी चिन्ह क्या लेंगे? प्लस माइनस दोनों लेंगे। यानी दिया रहेगा कि के का मान ज्ञात करें, बिंदु दिया रहेगा जहां क्षेत्रफल भी दिया रहेगा और नियतांक का मान पूछेगा, तो क्या करेंगे? यानी चिन्ह हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह को लेंगे। उसी बात को लिखे हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है और किसी नियतांक का मान ज्ञात करना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों चिन्ह लिया जाता है। नंबर चार, ये भी ध्यान देना है, बीवीआई पॉइंट है। जब सारणिक में समीकरण ज्ञात करना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को शून्य के बराबर करके, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा जीरो के बराबर होगा, यानी जीरो के बराबर करके समीकरण ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन है, सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 1.2 और 3.6 यानी 1.2 और 3.6 को मिलाने वाली रेखा का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले इट इज गिवन दैट, बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है वो थोड़ा ध्यान देना है, बिंदु दिया है x1 = 1, x2 = 3, y1 = 2, y2 = 6, x1 = 1, x2 = 3, y1 = 2, y2 = 6। अभी हम लिखवाए हैं कि जब तीसरा बिंदु नहीं दिया रहेगा तो x मान लेंगे और क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ओके, देखिए लिखवाए हैं कि जब दो शीर्ष बिंदु दिया रहेगा, तीसरा नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे? x, y। तो पहला दे दिया, दूसरा दिया, तीसरा नहीं दिया था तो क्या मान लिया? x को क्या मान लिया? y मान लिया। हमको निकालना है क्या? समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो देखिए बब, अभी पॉइंट में लिखवाया कि समीकरण जब निकालना होगा तो क्षेत्रफल को जीरो कर देंगे, क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी समीकरण बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। तो देखिए बाब, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2
बाई थ्री वन वन वन। ओके अब देखिए बराबर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो वन बाई टू एक्स वन का मान है वन, एक्स टू का मान है तीन, एक्स थ्री का मान है एक्स, वाई वन का मान है टू, वाई टू का मान है सिक्स, वाई थ्री का मान है वन वन वन। ओके देखिए इसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान देना है। वन बाई टू वन लेंगे, पहले हम बताए थे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कलम को लेकर हल कर सकते हैं, चिन्ह प्लस माइनस कर सकते हैं। तो वन लेंगे तो आमने सामने ब्लेक यानी सिक्स माइनस वाई, ठीक माइनस टू लेंगे आमने सामने ब्लेक, तो थ्री कॉमा माइनस सिक्स। फिर क्या लेंगे, वन लेंगे आमने सामने ब्लेक थ्री कॉमा यानी थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स। ओके हल कीजिए, बराबर क्या जीरो। देखिए हम छोटा है, चलिए अब वन बाई टू मल्टीप्लाई में बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या मिला, छ माइनस वाई, ठीक माइनस गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस तीन गुना छ, माइनस माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है। अब देखिए यानी वन को थ्री वाई में करेंगे, थ्री वाई ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, बराबर का हो जाएगा जीरो। अब देखिए सिक्स माइनस वाई यानी ध्यान दीजिए तीन गो वाई में से एक गो वाई हटाएंगे तो क गो वाई, दो गो वाई, ठीक है। आई देखिए सिक्स से सिक्स कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा पहले छ से छ कट जाएगा, माइनस वाई थ्री वाई तीन गो वाई में से एक गो वाई हटाएंगे तो क गो वाई, दो गो वाई। अब देखिए दो एक्स में से छ गो एक्स घटाएंगे तो माइनस चार एक्स, बराबर जीरो आया, यही है समीकरण। तो याद रखिएगा बाबू जब समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।